हेलो दोस्तों, आपको जैसे कि अभी तक पता लग चुका होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स बंद कर दी गई हैं, चाइनीज ऐप्स जो कि बैन कर दिए इंडिया के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीनू, आप देख रहे हो चैनल से ओनली वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज ऐप्स काफी दिनों से चर्चा में थी और आज इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया। 59 ऐप्स हैं, बता दूं इनके नाम टिकटॉक, पबजी मोबाइल, शेयर इट और भी काफी सारी एप्स हैं जो कि बंद कर दी गई हैं। देखिए, इनका हो सकता है अभी कुछ टाइम के लिए अपन लोगों को नुकसान हो, लेकिन ये गवर्नमेंट का बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि ये चाइनीज ऐप्स इंडियन यूजर्स का डाटा स्टोर कर रही है चाइना के अंदर, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात थी आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए। दोस्तों, देखो, जैसे कि आपको पता है सारी ऐप्स बंद हो चुकी हैं ये, लेकिन हमें इनका कोई अल्टरनेट चाहिएगा कि हम अपना काम, जो हमारा काम चल रहा है वो रुके ना। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस ऐप के रिगार्डिंग आप कौन सी ऐप को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं पता लग पाएगा अल्टरनेट ऐप्स के बारे में जो कि बैन हो चुकी है उनकी। तो मैं आपको बता दूं, जो टिकटॉक सभी यूजर्स जो यूज कर रहे हैं, इंडिया में कुछ ज्यादा ही चल रहा है, काफी सारे बंदे जो बेले बंदे थे वो ये यूज कर रहे थे। टिकटॉक के लिए मैं बता दूं, टिकटॉक अगर आप यूज करते थे और वो बैन हो गया है, आपको पता है, तो टिकटॉक का अल्टरनेट आप यूज कर सकते हो, रॉक्सो नाम की ऐप है, या तो उसको यूज कर सकते हो, ये इंडियन ऐप है, और एक ऐप है शेयर चैट। इन दोनों ऐप्स को आप यूज कर सकते हो और इनसे काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिली। सेम चीज़ें हैं, सेम फिल्टर्स हैं इनके अंदर भी, टिकटॉक जैसे ही फिल्टर हैं, आप यूज़ कर सकते हो, आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में, बहुत बढ़िया ऐप्स हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ वही ऐप्स के अल्टरनेट बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी इंडिया के अंदर। तो जो दूसरी ऐप है वो है यूसी ब्राउज़र, देखा होगा आपने कितनी ज़्यादा ऐड आती, बहुत ज़्यादा घटिया ब्राउज़र था। तो इसकी जगह अगर आप इसके अल्टरनेट के तौर पे यूज करना चाहते हो तो भाई गूगल क्रोम को यूज कर सकते हो, मानता हूँ थोड़ा नेट ज्यादा यूज करता है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा सेफ है, गूगल की सेफ्टी के साथ आप गूगल क्रोम को यूज कर सकते हो। दोस्तों, तीसरी जो बड़ी ऐप है वो है कैम स्कैनर। जी हाँ, कैम स्कैनर भी बैन कर दी गई क्योंकि ये भी एक चाइनीज ऐप थी। इसकी जगह अगर आप इसका अल्टरनेट जानना चाहते हो तो भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आगे इसका अल्टरनेट कौन सा है। आप कैम स्कैनर की जगह पे एडोब स्कैनर को यूज कर सकते हो। जो चौथी बड़ी चीज है वो है दोस्तों शेयर इट, जिसकी मदद से आप किसी भी बड़ी फाइल को फटाक से दूसरे मोबाइल में शेयर कर देते थे, वो भी एक एक्चुअल में चाइनीज ऐप है, उसका भी अल्टरनेट अवेलेबल है। आप उसकी जगह गूगल फाइल्स को यूज कर सकते हो, गूगल फाइल्स की मदद से आप 1 सेकंड के अंदर काफी बड़ी फाइल्स को सेंड कर सकते हो दूसरे मोबाइल में। तो दोस्तों, ये चार तो वो एप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रही थी इंडिया के अंदर, इनके अल्टरनेट बहुत ज्यादा जरूरी थे ताकि मिल सके, ताकि लोगों का जो काम चल रहा है वो रुके ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और जो आपका डाटा है इन एप्स के अंदर स्टोर कर लीजिए, जो भी कुछ स्टोर करना चाहते हो, क्योंकि जल्द ही ये सभी एप्स प्ले स्टोर से बैन हो जाएंगे अगर आप इंडियन एपीआई को यूज कर रहे हैं, मतलब इंडियन आईपी एड्रेस को यूज करके असेस करना चाहते हो इन एप्लीकेशंस को, तो ये बंद हो जाएंगी। हो सकता है कुछ जो आपने वीपीएन के नाम सुने होंगे, वीपीएन की मदद से हो सकता है इनको यूज किया जा सके, पर ऐसा अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी ही ये प्ले स्टोर से हट जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक प्रोवाइड की है, अभी तक सिर्फ ये लोग बता रहे हैं कि भाई बंद हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, लेकिन इनके अल्टरनेट कौन कौन से हैं। दोस्तों, सभी एप्लीकेशंस जो बैन हो गए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ एट होम।